दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं, जिससे आपको नए नए वीडियो मिलते रहें। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे सोशल स्पार्क चैनल पे। और दोस्तों एक्चुअली ऐसा हुआ कि पिछले दिनों मैं ट्रेवल कर रहा था लगातार, जिसकी वजह से रेल न्यूज नहीं दे पाया। आज मैंने कोशिश किया है कि रिकॉर्ड करके मैं अपलोड कर सकूँ। ट्रेवल में दिक्कत क्या होती है दोस्तों, नेट की कनेक्टिविटी नहीं है। अब जियो भी फेल हो रहा है, जहाँ तक मुझे लग रहा है कि जियो की कनेक्टिविटी उतनी अच्छी नहीं है। पहली खबर दोस्तों आपको बताता हूँ, ये है कि खजुराहो के लिए अब कुरुक्षेत्र से सीधे एक ट्रेन चलेगी। इसका नाम है गीता जयंती एक्सप्रेस। ये दोस्तों पहले भी चलती थी, लेकिन ये पहले जो है कुरुक्षेत्र से और मथुरा तक आती थी, लेकिन इसको बढ़ा के मध्य प्रदेश के छतरपुर के खजुराहो तक कर दिया गया है। और इस ट्रेन का नंबर रहेगा 11-84-2। ये कुरुक्षेत्र खजुराहो गीता जयंती एक्सप्रेस के नाम से चलेगी। 26 स्टेशनों पर ठहरेगी ये। इसमें हरियाणा के 9 स्टेशन हैं, कुरुक्षेत्र, नीलोखेड़ी, करनाल, पानीपत और मसालखा, सोनीपत, फरीदाबाद, पलवल और होइल। कुरुक्षेत्र, ये ट्रेन जो है कुरुक्षेत्र से 2:55 पर चलेगी और अगले दिन सुबह 8 खजुराहो पहुँचेगी। और खजुराहो से ये शाम को 6:35 पर चलेगी और अगले दिन ये 12:40 पर चलेगी। यानी कुरुक्षेत्र से अगर खजुराहो तक आपको सफ़र करना है तो आप ये मानो कि एक दिन में ही या 2 में मैक्सिमम आप सफ़र करके ये पूरा कर सकते हो। ये अच्छी खबर है दोस्तों, बहुत अच्छी खबर है। इसके अलावा दूसरी खबर ये है दोस्तों कि CAA के सपोर्ट में लोहरदगा में जो हिंसा और बवाल के बाद रेलवे ने कई ट्रेनें रद्द कर दी हैं। हुआ ये कि पिछले दिनों यहाँ पे जुलूस निकाला गया था CAA के समर्थन में, और उसके बाद काफ़ी जो है वहाँ बवाल होना शुरू हो गया, जिसके बाद से लोहरदगा से रांची आने जाने वाली पैसेंजर ट्रेनें भी पूरी तरह से रद्द कर दी गई हैं। और झांसी के रेल डिवीजन के मुताबिक इस रूट पर चलने वाली कुछ ट्रेनों को रद्द करने के साथ ही और रेल परिचालन मार्ग में बताया गया है और कई चीज़ों को, कई ट्रेनों के रूट को बदला गया है। दोस्तों डिटेल आप उस न्यूज़ के माध्यम से समझ सकते हैं। तीसरी खबर है दोस्तों, रेलवे ई टिकटिंग गिरोह के मास्टरमाइंड ने RPF के DG को मैसेज भेजकर चैलेंज किया है। इसने कुछ ऐसा चैलेंज किया है कि आप अगर मुझे पकड़ते हो, आप मुझे अगर सजा दिलाते हो, तो आपका भी जो IRCT का साइट है वो हैक कर दिया जाएगा। क्योंकि दोस्तों IRCT की साइट अभी गूगल या फिर और बड़े साइट्स की तरह से अपने सर्वर पे या अपने सिक्योरिटी सिस्टम पे नहीं चलती है, इसको कहीं और से सारी सिक्योरिटी सिस्टम लेनी पड़ती हैं, ये बाज़ार से परचेज करती है। और इसने 2,00,000 भी मांगा है कि IRCT में जो कमियाँ हैं वो बताने के लिए। अब खबर कैसी है पता नहीं, लेकिन ऐसी है दोस्तों। तीसरी खबर है, दुर्घटनाग्रस्त होने से बाल बाल बची पंजाब मेल, कपलिंग टूटने से 6 बोगियों के जो हैं वो ट्रेन आगे बढ़ गई थी। ये हरदा की खबर है, मध्य प्रदेश की रेल हादसा होते होते बचा है यहाँ पे। रात को अब ट्रैक पर पंजाब के फिरोजपुर से मुंबई जाने वाली पंजाब मेल 2 हिस्सों में बट गई। इस इंजन के पीछे रेल डिब्बे निकाले गए और गार्ड की बोगियों से जुड़े 6 डिब्बे पीछे किए गए। जानकारी के मुताबिक ट्रेन के डिब्बों को जोड़ने वाली कपलिंग के टूटने से घटना घटी। मामले की सूचना जो है रेल विभाग को दे दी गई है। हड़कंप मच गया उसके बाद और काफ़ी दिक्कतें रहीं। और दोस्तों पांचवी खबर ये है, रेल टिकट जालसाज ने IRCT को ऑफर दिया है 2,00,000 का। और ये बताया है कि अगर आप चाहते हैं तो मैं आपको IRCT की सारी कमियों को बता दूंगा। जो अभी रेल टिकट फ्रॉड का मास्टरमाइंड जो है रेलवे पुलिस फोर्स के चीफ तक पहुंच गया है और आरोपी ने RPF चीफ को मैसेज भेजा और कहा कि रेलवे के IG सिक्योरिटी सिस्टम में बहुत सारे जेल हैं। इस मास्टरमाइंड ने RPF को सुझाव दिया कि उसे 2,00,000 महीने का वेतन दे और वो सुरक्षा संबंधी सारी कमियां दूर कर देगा। गजब। जानकारी के मुताबिक रेल टिकट घोटाले का मुख्य आरोपी हामिद अशरफ इस वक्त दुबई में है और उसका कहना है कि उसके जैसे कुछ लोगों को पकड़ लेने से यह धंधा खत्म नहीं होगा। हामिद का दावा है कि IRCTC के सिस्टम में सुरक्षा के लिहाज से काफ़ी झोल और कुछ और लोग हैं जो अवैध सॉफ्टवेयर डेवलप कर लेंगे। गजब। ये दोस्तों बहुत बड़ा खेल है, टिकट के नाम पर किस तरह से जनता को लूटा जाता है और ये लोग किस तरह से परेशान करते हैं, उसकी ये मिसाल है दोस्तों। तो ये थी दोस्तों आज की खबर, जल्दी जल्दी में बस इतना ही। आगे हम लोग और भी सब चीज़ों पे बातचीत करेंगे, आगे रेल न्यूज़ को प्रॉपर करने की कोशिश करूँगा। मैं यहाँ पे 30 तक हूँ, 30 के बाद तो आपको प्रॉपर मिलेगा, लेकिन 30 के पहले तक दिक्कतें हैं दोस्तों, उसके लिए क्षमा चाहता हूँ। फिर मिलेंगे कुछ नई समाचार, कुछ नई जानकारी लेके। नमस्कार दोस्तों।
आपको ये वीडियो कैसा लगा ये हमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जरूर लिखिएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो अपने दोस्तों को शेयर जरूर कीजिएगा और लाइक कर लीजिएगा। हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन का बटन जरूर दबा दीजिएगा, जिससे कि आपको जो भी मैं नए नए वीडियो अपलोड करता हूँ वो मिलता रहे।